गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज मैं मेरी हिंदी हैंडराइटिंग की अगली कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज हम थ से आगे कुछ अक्षर और लिखेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो थ के बाद द, द से लिखेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ द। ये देखिए, ये मैं आपको इतना डिटेल में मैं यहाँ पर इसीलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि मैं पहले जो ये सभी जो अक्षर हैं वो आपको पहले मैं करवा चुकी हूँ। तो आपको हिंदी की जो नोटबुक है उसमें किस तरीके से लिखने हैं, दो लाइंस के बीच में। उसके बाद द के बाद ध लिखेंगे हम। लिखने का तरीका जो है वो आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। उसके बाद हम लिखेंगे न। फ, ब, कुछ अक्षर जो होते हैं उनका आपको बहुत ध्यान रखना है लिखते वक्त कि किस तरीके से आने चाहिए। कुछ जो अक्षर हैं वो बहुत ही थोड़े से मुश्किल होते हैं, लेकिन सीखने पर कोई भी चीज़ आ जाती है, तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। भ, और म। ये देखिए, हमने एक दो तीन चार पाँच छ सात और आठ, आठ अक्षर आज हमने लिखे हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है बच्चों कि दो लाइंस के बीच में जब हम लिख रहे हैं तो किस तरीके से आपके जो अक्षर हैं वो अच्छे से लिखे हुए होने चाहिए। तो अगर किसी भी बच्चे ने नहीं देखी हो मेरी पहले की वीडियोस तो आप वहाँ पे जाके देखिए, मैंने स्टार्टिंग से वहाँ पे करवाया हुआ है। तो आप उसको देख के प्रैक्टिस कीजिए और अच्छे से लिखना सीखिए। तो बच्चों, अगली क्लास में जो हम बचे हुए जो अक्षर हैं वो कंप्लीट करेंगे और तुरंत ही हम हैंडराइटिंग पर जो हम आगे करवाएंगे उस पर आपको तुरंत लेकर आएंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय।